प्रदेश भाजपा संगठन के नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश सह संयोजक संजय दानी से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने खास चर्चा की है, जिसमें संजय दानी ने नगरीय निकाय के विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है संजय दानी जी। संजय दानी जी को आज दुर्ग जिले में पहचान की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश भाजपा द्वारा नगरीय निकाय प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है, प्रदेश सह संयोजक बनाया गया है। इसके पूर्व संजय दानी जी लगातार नगरीय निकाय क्षेत्रों में, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। जनता से जुड़े मुद्दे को उन्होंने लगातार उठाया है, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत भी रहे हैं, जिसकी वजह से आज इन्हें इस दायित्व से नवाजा गया है। संजय जी के बनने से कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार इन्हें बधाइयों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में, कार्यालय में मौजूद हैं संजय दानी जी। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे एक ये है कि चूंकि आप अभी प्रदेश सह संयोजक बने हैं, तो किस तरह की कार्यप्रणाली रहेगी आने वाले समय में आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व पे जिन जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा, उनके प्रति मैं निश्चित रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री जी हैं, हमारे संगठन मंत्री जी हैं, और हमारे ये जो नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के जो संयोजक है प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय विजय विजप्रिया जी, और उसके अलावा मैं सबसे लाभ में मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के जितने भी वरिष्ठ जो नेतागण हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से मैंने आज ये इस उपलब्धि को पाया है, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन और उनका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। आपकी कार्यप्रणाली सर किस तरह की रहेगी आने वाले समय में दानी जी? देखिए, जैसे नगर निगम प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं चूंकि पहले पार्षद भी रहा, और मैं भिलाई नगर निगम का जब अस्तित्व में आया, उस भिलाई नगर निगम का सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जो प्रदेश नेतृत्व, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैंने भिलाई में जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया, और निश्चित रूप से हमारे पूर्व में जो मंत्री रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी रहे हैं माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने भी हम लोग को सिखाया कि भी किस तरह से मुद्दे को उठाया जाता है, सदन में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, जनता से कैसे सीधा रूप से जुड़ा जाता है। क्योंकि भिलाई नगर निगम में आप पूर्व में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो संभाल चुके हैं, लेकिन अभी आज की वर्तमान स्थिति में ये देखने को सामने मिल रहा है कि लगातार जो बीजेपी के पार्षद हैं जो नगर निगम में पदस्थ है, उनमें आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं गुटबाजी, वैमनस्यता, इस तरह की भावनाएं देखने को लगातार सामने आ रही। नहीं, मैं नहीं समझता गुटबाजी है। हो सकता, देखिए, किसी विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर हम लोगों में मनभेद कहीं नहीं है। अब पार्षद बन के जो भी आदमी आता है या जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपनी जिम्मेदारी संभालता है, सबके अपनी अपनी विचारधारा, सबके अपने मुद्दों को उठाने का और राजनीति करने का अलग अलग ढंग होता है, मगर वो अभी जो नगर निगम में जो एकजुटता के माध्यम से सारे विषय जो उठ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ मेरा जब कि इस बातों को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और हम सब भारतीय जनता पार्टी आपकी बातों को काट रहा हूँ। आप ये चीज़ बताइए कि अभी जैसे नेता उपनेता का जो चुनाव हुआ नगर निगम भिलाई में, उसमें कई ऐसे भी वरिष्ठ पार्षद रहे हैं जो काफ़ी उम्मीद सब संजो के रखे थे कि हमें इस दायित्व से नवाजा जाएगा, लेकिन देखने को मिला कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा पार्टी नेतृत्व द्वारा की गई। नहीं, उपेक्षा नहीं की है। देखिए, पद एक रहता है, उसमें सब लोग चाहते हैं कि हमें वो पद मिल जाए, कई लोग किसी एक को देना है पद, और पार्टी जिसको उस लायक समझती है निश्चित रूप से उसको पद देती है, और पद मिलने के बाद हर आदमी निष्ठापूर्वक पार्टी के प्रति कार्य करता है, और कहीं वो पार्टी के विरोधी की कोई गतिविधियों में कोई शामिल नहीं होता। अब वो माहौल ऐसा कोई बना दिया था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। अब हमने मैं भी 15 साल के जब निगम में था, 2000 से 2005 तक नगर निगम में था,
उसके बाद मैं बहुत काफी समय से, मगर नगर निगम की राजनीति से मैं अपने आप को दूर नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा एक मेरा खुद का इंटरेस्ट का विषय है। क्योंकि नगरीय निकाय से आप लगातार जुड़े हुए, पिछले आपको काफी एक अच्छा लंबा अनुभव, तो प्रदेश के नगरीय निकायों में भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरह की आपके द्वारा आने वाले समय में योजना तैयार की? देखिए, हम लोगों ने भी जैसे अभी ये नगरीय निकाय प्रकोष्ठ का जो गठन हुआ है, तो नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के गठन के पीछे का मुझे उद्देश्य आपको साफ से बता दूं कि भिलाई प्रदेश में जो 14 नगर निगम है, जिसमें नगर पालिका आती है, नगर पंचायत है, तो पंचायती राज के माध्यम से जितने विकास कार्य होते हैं, हम लोग एक हमारी बैठक अभी होने वाली है आदरणीय प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी जो हमारे संयोजक और हमारे पार्टी के जितने राष्ट्रीय प्रदेश के नेतृत्व हैं उनके साथ बैठ के, जैसे हमारी एक बैठक अभी चार आदरणीय नितिन नवीन जी जो क्षेत्रीय सह प्रभारी हैं हमारे के, उनके साथ ही उन्होंने हमको बताया कि किस प्रकार से हमारी कार्य योजना रहेगी, हमको क्या हमारी अपनी भूमिका क्या होनी है, ये सारी चीज़ों को लेके हम जनता के पास जाएंगे और हमारे जो पार्षद हैं उन पार्षदों के पास बैठक लेके हमको उनको अपने राज्य क्या दिशा और दिशा तय करनी है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दे और जनहित के मुद्दे को लेकर एक अगर से एक अलग रूप के रूप में आपको दिखाई देगी। क्योंकि मेरा सवाल, हालांकि अभी आपसे एक पुराना सवाल मैं कर रहा हूँ, इससे जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ था वर्तमान में, उसमें भाजपा के इतने पीछे पिछड़ने की क्या वजह है देखने के लिए? कौन सा चुनाव नगर निकाय चुनाव हुआ, उसमें महापौर जी जो है कांग्रेस के बने हैं, बीजेपी के कम पार्षद जीत करके आए, इस पर आपका क्या कहना? नहीं भाई साहब, ये तो चुनाव है, चुनाव में जनता की हर आदमी प्रयास करता है कि वो जीते, पर हो सकता है हमारी कुछ कमियां रह जाती होंगी, उसके कारण वो जीत हार ये कोई ये नहीं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ जो हारने के बाद जो के बाद भी जीत है ना, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है राजनीति के। जब राजनीति में हम लोग काम कर रहे थे, जीत हार माने नहीं लगता है, हमारा ये बात है कि जनता से कितने हम जुड़े हैं, उनके मुद्दों को हम कितना उठा रहे हैं, उनके साथ कितने खड़े हुए हैं, ये विषय होता है। जीत हार तो एक हर किसी को, कोई आदमी हारेगा कोई जीतेगा, ये चलते रहता है। जैसे 15 साल हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तो ये भावना तो दूसरे दलों में भी आती ना, तो ये सोच के कि वो नहीं, हम तो 15 साल से सरकार में नहीं है, तो हम क्या राजनीतिक दल से अलग हो जाए, घर में बढ़िया, ऐसा कभी नहीं होता ना जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जो वर्तमान का जो ताज़ा तरीन मामला जो चल रहा है जामुल नगर पालिका परिषद में, क्योंकि भाजपा के जो दो पार्षद हैं उनके द्वारा कांग्रेस प्रवेश कर लिया गया है और वहाँ काफ़ी खींचतान की स्थिति बनी हुई है वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर के, इस पर पार्टी नेतृत्व द्वारा किसी तरह की ना कोई ना ध्यान दिया जा रहा है, ना वहाँ कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है, इसकी वजह से पार्षदों में लगातार आक्रोश बढ़ते जा रहा है, तो इस स्थिति को सामान्य करने और भाजपा को वहाँ पे सत्ता पे काबिज रखने किस तरह का कार्यक्रम अपनाया जाएगा? नहीं देखिए, कल ही जैसे आपने जो विषय को उठाया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मना लेंगे उनको, हम कुछ आपसे मनमुटाव भले हो गया होगा, कल दो पार्षद जो प्रवेश किए हैं कांग्रेस, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जबकि एक तो जो राम बिहारी वर्मा जी जो है वो काफी पुरानी वरिष्ठ नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस को दामन थामा है, इसके पीछे क्या कहते हैं? कल हमारे जिला अध्यक्ष गए थे, उन्होंने बैठक ली है और क्या है, हमको विश्वास है, हम मना लेंगे और वो अपने पुनः हमारे दल में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये तो रही नगरीय निकाय की क्षेत्रों की बात है, अब मेरा अंतिम सवाल आपसे एक ये है, जो कि अभी आने वाले कुछ महीनों के अंतराल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अंतिम नहीं, मेरा भी थोड़ा एक पूछना, मेरे इंटरेस्ट वाला पूछिए ना आप थोड़ा। भिलाई नगर निगम में अभी वर्तमान में आप भाजपा पार्षदों की क्या स्थिति देखने को सामने मिल रही है, और प्लस इस तरह जो वर्तमान में कांग्रेस के महापौर उनके द्वारा किस तरह के विकास कार्य कराए जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, अगर 15 साल का अगर इतिहास देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जितना मैं जानता हूँ, मैं चूंकि भिलाई नगर निगम में माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का विधायक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे था, तो भिलाई में प्रदेश शासन ने हमारी सरकार की तरफ से 3,000 करोड़ के विकास कार्यों की राशि आई थी। मैं ये पूछता हूँ कि भिलाई पेयजल आवर्धन योजना जो इतनी बड़ी योजना थी, जो शिवनाथ नदी से जल लाना और उस जल को पूरे वार्ड में लाना, वार्ड में उसको उसके माध्यम से जलापूर्ति करना, ये इतनी बड़ी योजना थी जिससे भिलाई पूरे भिलाई वासी आज नेहरू नगर जो लोग छोड़ के जाना था, आज वो स्थापित हो गए यहीं पर,
क्यों आज जो भिलाई नगर निगम की कम से 400 से 500 करोड़ की जो योजना, जिसको 143 MLD की जो योजना थी, जिसको दो चरण में किया गया, पहले 77 MLD में किया गया, उसके बाद 66 MLD में उसको चरण में पूरा किया, उसके माध्यम से 9 टंकी का निर्माण हुआ। मेरा ये भिलाई नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों पर यह आरोप है कि जब भिलाई पेयजल आवर्धन योजना लागू, इतनी बड़ी योजना पूरे प्रदेश में, और उसके माध्यम से भागीरथी नल जल योजना के माध्यम से लोगों में घर के नल कनेक्शन दिया गया, अभी मैं सुना हूँ कि 70,000 नल कनेक्शन दिए गए, उसके बाद हम ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ती है कि भिलाई नगर निगम हर साल ट्रक और टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति करता है? क्यों? मेरा ये सीधा आरोप है, ट्रक और टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति करके ये भ्रष्टाचार को पीछे कारण क्या मानते हैं? नहीं, क्या हमारा प्रशासनिक स्तर फिर क्या कर रहा है? इतनी बड़ी योजना आने के बाद अगर हम ट्रक और टैंकरों के माध्यम से अगर जल प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने लोग को लाभ पहुंचाने की मेरा सीधा आरोप है इसमें। या आपने प्रशासनिक क्षमता नहीं है, क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? आपने किया था 52.5 वार्ड में, इनका दावा है कि 52.5 वार्ड में हम हर एक जो हितग्राही है, जहाँ जहाँ उनको जल पहुँचाना है, चाहे वो स्लम एरियाज हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी है, चाहे शहरी क्षेत्र है, हम क्यों नहीं कर पा रहे इसमें? इस बात का जवाब देंगे? संजय सर, सवाल आपसे एक ये भी आता है सामने कि जैसे कई तरह की समस्याएं भाजपा के जो पार्षद उनके वार्डों में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एक पार्षदों को छोड़ करके तो तमाम पार्षद निष्क्रिय टाइप के बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनके द्वारा कभी भी ना तो निगम में आंदोलन किया गया, ना धरना दिया गया, केवल ज्ञापन को सौंप करके मात्र खाना पूर्ति की जाती रही है। भाई साहब, मेरा जहाँ तक अगर मेरा व्यक्तिगत राय अगर जानना चाहेंगे यार, तो अगर मैं एक महापौर जब बनता है कोई भी आदमी, क्या मतलब जो भी आदमी बने, तो महापौर किसी दल का नहीं होता। विधायक बनता है तो विधायक किसी दल का नहीं होता, वो सब जनता के लिए होता है। आम जनता की जितनी मूलभूत सुविधाएं उसको उपलब्ध कराना आपकी सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी है। वहाँ आप अगर ये देखेंगे कि भाजपा का पार्षद है या कांग्रेस का पार्षद है, और वहाँ आप भेदभाव करेंगे कि मैं कांग्रेस के पार्षद हूँ, मैं चूँकि महापौर हूँ कांग्रेस का हूँ, वहाँ विकास कार्य ज़्यादा दूंगा, वहाँ कम दूंगा, तो भाई जनता है, जनता को, सब जनता को आपको समान रूप से देखना चाहिए। ये स्थिति क्यों नहीं आती है भिलाई नगर? अच्छा, भिलाई में मैं ये बोलता हूँ, इतना प्रदेश का इतना बड़ा नगर निगम, ये सौभाग्य की बात है कि इस नगर निगम में आपको 9 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष भिलाई इस्पात संयंत्र निर्यात और संपत्ति कर, निर्यात कर और समेकित कर का दे दिए। ठीक है, जब नगर निगम बना लोकायुक्त ने शिकायत की, उसमें भिलाई के बहुत सारे जो आवासीय योजना और बहुत सारे आवास व्यवसायिक योजना, सारी योजनाएं थी उसमें। मेरा ये कहना, वो सिर्फ बिल्डिंग परमिशन नहीं देना, उसको आज तक वो बेचारे भुगत रहे हैं, कई लोग यहाँ इस दुनिया में नहीं रहे। भाई, उनकी क्या गलती थी? योजना एक ही योजना को आपने लाए, नगर निगम बनने के बाद आया तत्कालीन आयुक्त ने यह सारी चीज़ लाए, उसके बाद आपने उसको जाँच में कर दिया। आज हम ये बोलते हैं, जब हम मैं अपना नेता प्रतिपक्ष था, इसके मुद्दे को लेकर मैंने प्रदेश स्तर में बहुत सारे संघर्ष किया, मगर जब मैं ये बोलता हूँ, आज आपकी सरकार है, आदरणीय महापौर जी हैं, आदरणीय विधायक जी हैं, हमारे आपके मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं उस पर उसका कोई हल निकाला, क्यों नहीं किया? आज वो बेचारे कितने लोग उससे व्यापार करने से वंचित हो गए, कई लोगों को घर नहीं मिल रहा है, वो इस कब तक इसका निराकरण कब होगा? एक मधु मेमोरियल के नाम से 10 एकड़ भूमि भूखंड SF लाइन के सामने आवंटित हुई, BR जैन जी को आपत्ति की उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में आप एक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। ठीक है, योजना में कोई गलती नहीं थी, चलिए उसमें उस समय योजना में क्या उसमें जगतपति रिपोर्ट बनी, सारा चीज़ हुआ, ये हुआ, वो दुनिया भर की बातें हुई, मैं उसमें नहीं जा रहा। आज आपकी सरकार है, मैं चाहता हूँ क्यों नहीं भिलाई नगर निगम की जनता के लिए एक सर्व सुविधा युक्त नो लॉस नो प्रॉफिट पे वहाँ पे वो एक अस्पताल का निर्माण करता है, जिसका संचालन नगर निगम स्वयं करे। काम के मन में भी कुछ था क्या आपका? संजय जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय दानी जी, जिन्हें प्रदेश भाजपा द्वारा जिन पर विश्वास जाहिर करते हुए ने सह संयोजक का दायित्व सौंपा गया पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र में, तो निश्चित ही संजय दानी जी के अनुभवों का लाभ क्षेत्र प्रदेश भाजपा को अवश्य मिलेगा, और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव भी होंगे निश्चित रूप से, उसमें इनके द्वारा किए गए कार्यों का लगातार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं जो BJP कार्यकर्ता हैं उन्हें लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।